हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंग्लिश एकेडमी नटराज क्लास। दिस इज पार्ट वन फॉर यू एंड दिस इज माय बेसिक क्लास। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इन दिस वीडियो आई विल टीच यू बेसिक इंग्लिश, सो वी विल टॉक हिंदी टू इंग्लिश। You know very well that if we want to improve English, we should improve our Hindi language also. So my dear, आज मैं आपसे इसमें पांच विषयों के बारे में बात करूंगा, टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कि एक इंग्लिश सीखने वाले बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। आज सबसे पहले नंबर एक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में। इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस कहा जाता है और हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ता, और कर्ता का मतलब है करने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो मैं एस हूं यानी कि सब्जेक्ट, लेकिन आप भी एस हैं, सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, आप सुन रहे हैं तो आप भी सब्जेक्ट हैं। इस एस को यानी सब्जेक्ट को मैंने दो भागों में बांटा, आप देख सकते हैं, एक मैंने सिंगुलर और एक मैंने से प्लूरल में बांटा। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है, और इनमें हम कुछ कैरेक्टर लेंगे। एक वचन यानी सिंगुलर में ही, शी, इट। ही मीन्स वह, शी मीन्स भी वह, और इट मीन्स भी वह। आप थोड़ा समझते हैं, ही का प्रयोग हम लड़कों के लिए करते हैं यानी बॉयज, शी का प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं गर्ल, और इट का प्रयोग हम जानवरों एनिमल, निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स और प्राकृतिक चीजें यानी नेचुरल थिंग्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, आपको नाम नहीं पता, आप उसके लिए ही लगाए। लड़की है, नाम नहीं पता, आप उसके लिए शी लगाए। कोई जानवर है, हमें नहीं पता कौन सा है, हम उसके लिए इट लगा सकते। कोई वस्तु है, आप सबको पता है ये पेन है, लेकिन मैं इसके लिए इट का प्रयोग करूंगा। और अगर उसी कैरेक्टर का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल कपिल, तो फिर मैं कपिल का यूज करूंगा। यानी सिंगुलर में ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम। चलिए प्लूरल कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, आई, मैं, यू। छोटों के लिए हम तू या तुम करके बात करते हैं और बड़ों के लिए हम आप करते हैं। अंग्रेजी में दोनों के लिए यू आएगा, वी, हम एंड दे यानी वे। तो जब भी मैं आपसे सिंगुलर पूछूं, आपके दिमाग में तत्काल ये आना चाहिए, और प्लूरल पूछूं तो आई, यू, वी, दे, या कोई दो या दो से ज्यादा नाम। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां पे मैं नाम रख रहा हूं कपिल एंड मोहित। तो ये हमारे कैरेक्टर पार्ट वन। अब मैं आपसे पार्ट टू के बारे में बात करूंगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था पांच विषयों के बारे में आपसे बात करूंगा। पार्ट टू में आपको ये समझना है कि इंग्लिश को पढ़ना कितनी कंडीशन में है। तो माय डियर, इंग्लिश को हम तीन कंडीशन में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी जो है वो तीन कंडीशन में ही जीते हैं। एक हम पढ़ेंगे इसको टुडे यानी आज, और इस टुडे ने आज को अंग्रेजी की भाषा में प्रेजेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में वर्तमान कहा जाता है, और वर्तमान हमेशा हे में होता है। हम बहुत सारी बातों में हे करके बात करते हैं। एक हम इंग्लिश इसको पढ़ेंगे यस्टरडे, जिसे हिंदी में कहा जाता है बीता हुआ कल। इसे अंग्रेजी में पास्ट कहा जाता है, और हिंदी में पास्ट को अतीत भी कहते हैं, बीता हुआ, और यह हमेशा था में होता है। एक हम पढ़ेंगे इसको टुमोरो में, जिसे हम बोलते हैं आने वाला कल, और अंग्रेजी में
फ्यूचर में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है भविष्य, और यह हमेशा गा में होता है। दोस्तों आप हम कितने साल के क्यों ना हो, हमारी पूरी जिंदगी तीन पल में गुजरती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें हम आज हैं, पास्ट जो निकल चुका है लेकिन उसमें बहुत सारे कल छुपे हुए हैं, और फ्यूचर जो आने वाला है जिसमें भी अनगिनत कल छुपे हुए हैं। यानी पूरी इंग्लिश को हम है, था और गा में समझेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं आपसे तीसरे पार्ट के बारे में बात करूंगा, और इस तीसरे पार्ट में हमको अपनी वोक्यूबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने मीनिंग हमें अच्छे करना है। ये जो तीसरा पार्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और हर बंदे को हर वर्ड का इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं ये याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कागज शब्द है तो आपको पता होना चाहिए इस कागज को हम पेपर कहते हैं। पानी शब्द है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसे वाटर कहते हैं। यानी किसी ने आपसे पूछा यार लेने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपने तपाक से कहा टेक। टेक का मतलब लेना, इसका ऑपोजिट होता है गिव। गिव का मतलब देना। किसी को कॉल, कॉल करना मतलब क्या होता है आपको पता है, पुकारना यानी बुलाना। किसी ने कहा पूछने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपने कहा आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इस तरह से इस तीसरे पार्ट में हमने अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, और जरूरी नहीं कि हमें स्पेलिंग भी याद हो, हम केवल उनका प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाए, इस समय कॉन्फिडेंस आएगा। स्पेलिंग हम धीरे धीरे याद कर सकते हैं, डरिए नहीं। जैसे हम हिंदी में मात्रा में कुछ गलती कर देते हैं, ऐसे ही इंग्लिश स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे इसको सुधार सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको चौथे पार्ट के बारे में बताऊंगा। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रश्न है, मैंने आपसे पूछा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आपने मुझे कहा सर आइस, क्योंकि हम इसे देखते हैं। किसी ने कहा हाथ, क्योंकि हम इससे काम करते हैं। किसी ने कुछ मुझे बताया। मैंने कहा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सोल, आत्मा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आपकी आंखें भी कोई काम की नहीं है, हाथ भी कोई काम के नहीं है। ऐसे माय डियर इंग्लिश में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो देना है वर्ब के ऊपर। वर्ब मीन्स क्रिया, और शॉर्ट में से भी कहते हैं बेटे क्रिया वो होती है जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत क्रियाएं करते हैं। सुबह जैसे हम आंखें खोलते हैं तो खोलना एक क्रिया हो गई जिसे हम ओपन कहते हैं। मान लीजिए हम पानी पीते हैं तो पीना एक क्रिया हो गई जिसे हम ड्रिंक कहते हैं। हम चाय ले रहे हैं तो लेना एक क्रिया हो गई जिसे हम बोलते हैं टेक। यानी क्रिया का शरीर इंग्लिश में वही रोल है जैसे शरीर के अंदर आत्मा का रोल है। ये क्रिया हमारे लिए बाहर इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकेंड फॉर्म होती है, और एक थर्ड फॉर्म होती है। ये तीन फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई आपसे कहता है नहीं इसकी चौथी फॉर्म भी होती है तो आप कहिएगा यस आई नो, और पांचवी फॉर्म भी होती है तो यस आई नो ऑल्सो, मुझे आता है। अब एक वर्ब्स के बारे में आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा गो, गो यानी जाना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बेटे वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ये तीनों फॉर्म आपके सामने हैं, गो, वेंट, गॉन, और तीनों का ही नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपको गो याद है लेकिन वेंट और गॉन नहीं आता है तो दिक्कत आएगी। इसलिए तीनों फॉर्म याद करें, स्पेलिंग बात का मैटर, याद हो जाए धीरे धीरे याद कर लें, लेकिन गो वेंट गॉन प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर। एक वर्ब सो बताता हूं बड़ी इजी है, कम, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है कैन, और थर्ड फॉर्म वापस से कम। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा यहाँ दोनों एक जैसी है, हम कैसे पहचानेंगे? यू विल डू डिफरेंस इन फ्यूचर, बट वेट फॉर दिस, अभी सिर्फ कम कैम कम। एक प्लस पॉइंट और बताता हूं, 75% वर्ब्स में केवल आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ब्स दी प्ले, तो आपने ईडी लगा दिया फ्लैट फ्लैट। यानी आपको जब वर्ब्स को लेकर टेंशन नहीं लेना मैं कैसे याद करूंगा, मैं आपको बड़ी आसानी से वर्ब्स अपने आप याद करा दूंगा।
आपको टेंशन नहीं लेना। और अधिकतर वर्ब में ईडी लगता है 75, यानी 100 वर्ब्स अगर मैं आपको देता हूं तो 70-80 वर्ब्स में तो ईडी लगाना है। केवल आपको पहला वर्ड याद रखना चाहिए जो जनरली हम आसानी से याद भी रखते हैं। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम, हर बच्चा हिंदी मीडियम, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सके। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर चौथी और पांचवी फॉर्म कब बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, फोर्थ फॉर्म में आपको जो गो दिया था इसी में हम केवल आईएनजी लगा देंगे, तो ये फोर्थ फॉर्म बन गए। यानी क्या हो गया, गो वेंट गॉन गोइंग। चलिए अब तो आप खुद बना लेंगे, कम कैम कम कमिंग, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग। कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को देखें और अपनी इंग्लिश को अच्छा कीजिए। अब आपको तो पांचवी फॉर्म में बताता हूं, ये जो गो वर्ब्स थी इसके आगे मुझे टू लगा के और गो रख देना है, यानी टू गो, ये पांचवी फॉर्म है। इनका यूज समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। कितना आसान है दोस्तों, देखिए कम कैम कम कमिंग टू कम, प्ले प्लेट प्लेट प्लेइंग टू प्ले। कितना मजाक है, कितना आसान है, लेकिन इतने आसान तरीके से हमें इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। हम बड़ी टफ तरीके से सीखते हैं और हमारे मन में डर बैठ जाता है इंग्लिश एज अ टफ लैंग्वेज। बट कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो। अब मैं आपसे पांचवे और अंतिम टॉपिक के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। आपको मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात की, फिर मैंने आपसे तीन कंडीशंस के बारे में बात की, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, फिर मैंने आपसे वोकैबुलरी के बारे में बात की, और फिर मैंने आपसे वर्ब्स के बारे में बात की, और अब मैं आपसे पांचवी स्टेप के बारे में बात करूंगा जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी। हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हर बंदा 100% इंग्लिश सीखना चाहता है, और हर व्यक्ति लगभग जीरो से स्टार्ट करता है। इस जीरो से मुझे 100% तक जाना है, लेकिन आखिर मुझे सीखना क्या है। जब भी मैं देखता हूं इंग्लिश क्लास में, जब इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं, हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ पढ़ाना चालू कर देता है। वो हमें ये नहीं बताता कि हमें सीखना क्या है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मुझे 100 तक जाना है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कोई नहीं बताता, बस कंटिन्यू पढ़ाना चालू कर देते हैं। आप इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहां से यहां तक जाने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 1, 2, 3, 4 and 5 दोस्तों, हमको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, और ये किसी भी किताब में, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी इंग्लिश स्पोकन क्लास में नहीं बताया जाता। इसलिए इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, ये किसी किताब में नहीं छपा हुआ है, ये मैंने अपने बच्चों को इजीली समझाने के लिए, क्योंकि जब हमारे सामने हमारे टारगेट क्लियर हो जाते हैं तो उस टारगेट तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, आप इस फर्स्ट वीडियो में ही ये देख लें कि आपके टारगेट क्या क्या है। तो आपके 5 टारगेट हैं जिससे आप 0 से लेकर 100 तक पहुंच सकते हैं, यानी आप इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं जहां भी आप रहे, बस इसका यूज करिए। ये 5 टारगेट कौन कौन से हैं, अब आप वो चीज का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए आप वेट करें मेरे सेकेंड पार्ट का, और उस पार्ट में मैं आपको माय डियर हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस बनाने की कला भी सिखा दूंगा। तो कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो, और उसमें ये देखेंगे अगले वीडियो में कि आखिर 0 से 100 तक हमें जाने के लिए क्या क्या सीखना है। गुड बाय।